नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मेडिकल कॉलेज के नर्सेज हॉस्टल में लगी आग, अस्पताल प्रबंधन ने आग पर पाया काबू। किसी भी तरीके का कोई ज्यादा नुकसान नहीं, केवल एक लड़की के कपड़े पूरे तरीके से जल कर दिए। 20x20 के एक कमरे में रहती हैं 17 लड़कियां, एक वॉशरूम, एक स्टोर रूम। कल्पना करिए किस तरीके से रहती होंगी वो लड़कियां 60 साल पुराने बिल्डिंग के एक कमरे। नर्सेज हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग पर पाया गया काबू। जिस कमरे में लगी आग उसमें रहती हैं 17 लड़कियां, 20x20 का कमरा। दिन में एक महीने में नए हॉस्टल में शिफ्ट करने की कही बात। हम आपको बता दें, लगभग 60 साल पुराने संजय गांधी अस्पताल के नर्सेज हॉस्टल में एक कमरे में आग लग गई। उस समय कमरे में कोई नहीं था, सारी नर्सें ड्यूटी पे गई हुई थी। इस बात की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने आग पर तत्काल काबू पा लिया। एक लड़की के कपड़े पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए, ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। मौके पर हमारी टीम जब पहुंची तब हमने कुछ चौंकाने वाली बातें देखी। वहां पर लोगों की सेवा करने वाली नर्सेस किस तरीके से रहती हैं सुनकर आप जरूर चौंक पड़ेंगे। 20x20 का कमरा है, बगल में 10x12 का एक स्टोर है, एक वॉशरूम है, गर्म पानी का कोई इंतजाम नहीं, जबकि सभी को एक ही समय में ड्यूटी के लिए तैयार होकर जाना पड़ता है। कल्पना करिए कितना मुश्किल काम। जबकि 100 सीटर नर्सेज हॉस्टल में पिछले 4 साल से तैयार है, लेकिन उसमें कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा इस बात की जानकारी किसी को नहीं। नर्सेज ने जब भी सवाल उठाए तब उनको कहा गया बस महीने डेढ़ महीने में हम आपको नई जगह में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन पिछले 4 साल से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। नर्सेज जब अस्पताल प्रबंधन से इस बारे में बात करती हैं तो उन्हें 1-1.5 महीने का समय देकर आश्वासन देकर भगा दिया जाता है। इस बार मौके पर मेडिकल कॉलेज के डीन भी पहुंचे। उन्होंने महीने डेढ़ महीने में एक बार फिर से नर्सेस को तारीख दे दी दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात, लेकिन नर्सेस का कहना है ये महज आश्वासन हो सकता है। हर बार ऐसी ही बात होती है। कल्पना करिए 20x20 का छोटा कमरा, उसमें 17 लड़कियां, एक वॉशरूम, लगभग 60 से 70 साल पुरानी बिल्डिंग का कमरा है, बारिश में टपकता है, गर्मी में क्या हाल होगा आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। सभी को एक समय में तैयार होना, बिल्डिंग पुराने होने की वजह से बारिश टपकती है, ठंड में गर्म पानी की सुविधा नहीं, आग जैसे छोटे मोटे हादसे आए दिन होते ही रहते हैं। सुनिए डीन और नर्सेस छात्राएं क्या कुछ कह रहे हैं। छात्राओं द्वारा हॉस्टल में कुछ क्या विवाद की स्थिति थी, क्या कुछ चीज़ें? नहीं, विवाद कुछ नहीं है। छात्राएं यहाँ रह रही थी उस हॉस्टल, उस रूम में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लग गई थी। ये हुआ था क्योंकि बच्चे वहाँ पर थे नहीं उस टाइम पे, सब अपनी ड्यूटीज़ में थे। जब वो पहुँचे उनने देखा कि आग लग गई है, तो हमारे जो अग्निशमक हैं उनने जाके उसको आग को बुझाया, और उसमें कोई ऐसी किसी को कोई चोटें नहीं आई क्योंकि बच्चे थे भी नहीं वहाँ पर। पुराना हॉस्टल पहले भी आपको अवगत करा चुके हैं कि यहाँ पर हम लोग नहीं रहना चाहते, ऐसी कुछ बात नहीं है। अब जो हैं वो तो सभी यही व्यवस्थाएं हैं, हॉस्टल पुराने हैं ये तो हम भी जानते हैं, ये तो GMH भी पुराना है हमारा, तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं, उनका रिपेयर जो ज़रूरत रहती है समय पर करा दिया जाता है। ठीक, क्या समस्या है यहाँ पे छात्राएं? ये छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं और एक कमरे में 60 सर्किट से आग लग गई है, तो एक लड़की का पूरा सामान जल गया है, तत्काल कंट्रोल पा लिया गया है आग पे। और आगे की समस्या है कि अब इनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की जाए, तो डीन साहब ने ये कहा है कि एक महीने के अंदर 100 सीटर हॉस्टल है उसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई करा के और इन लोगों को दिया जाएगा। अगर 1-1.5 महीने के अंदर में नहीं देते हैं तो फिर इसके लिए मैं आगे कुछ ना कुछ इन लोगों को ले जा कर प्रयास करूँगी, और जहाँ तक संभावना है ज़रूर मिल जाएगा। काफ़ी जर्जर भी हालत में है और पानी, हाँ, ये हॉस्टल बहुत पुराने हैं, करीब 60 साल पुराने हैं, सब एक्सपायरी हो गए हैं और ये भी लिस्टेड हैं। शायद भविष्य में इनको गिरा के यहाँ पे नया कुछ ऐसा हॉस्टल बनाने का व्यवस्था चल रहा है। अभी कितनी छात्राएं यहाँ रहती हैं? जहाँ पे आग लगी है उस रूम में 14 स्टूडेंट रहते हैं एक कमरे में, और हॉल की साइज है 20x20,
और बगल में एक 10x12 का एक स्टोर है और वॉशरूम है, सामने छोटी सी बालकनी। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।